अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिजवान। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं वैन डू कैस्टेलो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो देखें, मेरे सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया करें, ताकि हम आपकी राय जो है नेक्स्ट वीडियो में शामिल करें, और बेल आइकॉन का बटन लाजमी ऑन रखा करें। तो जी व्यूवर, आज का हमारा टॉपिक है पुर्तगाल इमीग्रेशन के बारे में, जो सेफ ख़त्म हो गई और अभी आईमा डिपार्टमेंट नया आया है, उसने आके क्या क्या चेंजिंगें की हैं और क्या क्या उसने रद्दअमल किया, उसकी क्या नई अपडेट हैं। आज हम बात करेंगे ईमेल अपडेट के बारे में, फैमिली रीयूनिफिकेशन के बारे में, किस किस सेफ ने कार्ड जो है वो इशू कर दिए हैं, जिसकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है इशू फॉर आईमा। जी सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल अपडेट के बारे में। तो जी व्यूवर, पुर्तगाल में 18 मार्च की जो लेटेस्ट अपडेट है उसकी सेकंड ईमेल सबको रिसीव हो गई है, और अभी उसके 19 मार्च से लेके या 19 मार्च के महीना या अप्रैल का महीना किसी की भी कोई भी फर्स्ट ईमेल की अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। अंदाज़ा किया जा सकता है या उम्मीद की जा सकती है, जो न्यूज़ ग्राउंड लेवल के ऊपर है या जो हम आपस में डिस्कस करते हैं, कि नेक्स्ट मंथ में ये ज़रूर इसका कुछ रिज़ल्ट देंगे। तो 2024 में इंशाल्लाह पहले दो वीक के अंदर ये जो है ये आपको डेटें ईमेलें सेंड करेंगे, आर्टिकल 88 और 89 को काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो जी व्यूअर, अभी हम चलते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन के बारे में। तो व्यूअर, जो फैमिली अपॉइंटमेंट है इसके बारे में अब काफ़ी हद तक जो है इनकी जो अक़वामे मुत्तहदा है उसके अंदर भी बात हुई है, और काफ़ी हद तक इनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर डिस्कस की है। तो जो नेक्स्ट मंथ है, जो न्यू ईयर है, अभी जो भी डिपार्टमेंट है, जो आईमा का हो या किसी भी फरनांस का या सुगुरानसो का, तो उसके अंदर फेरिश चल रही है। फेरिश कहते हैं हॉलीडे को। सितंबर के अंदर भी जो हॉलीडे होती है वो ज़्यादातर लोग नहीं करते, वो अपनी यहाँ फेरिश जो है वो जमा करके दिसंबर के महीने में पूरे मंथ में फेरिश पे चले जाते हैं। तो ये नहीं है कि डिपार्टमेंट चल नहीं रहे, डिपार्टमेंट चल रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है, पर मुकम्मल टीम वर्क एक हमेशा ग्रुप के साथ होता है, तो वो उनका जो ग्रुप है वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कंप्लीट नहीं है। फैमिली अपॉइंटमेंट है जो वो 2024 के पहले महीने जनवरी में वो इंशाल्लाह ये स्टार्ट करेंगे, और इनका एक लैदा पोर्टल, एक लैदा वेबसाइट ओपन करेंगे, जिसके ऊपर ये आप अपनी अपॉइंटमेंट उठाकर और एक लैदा एक अलग अवे से आप फास्ट वे से आप काम कर सकते हैं। हम ग्राउंड लेवल के ऊपर बात करें तो फैमिली रीयूनिफिकेशन ओपन होने से बहुत ज़्यादा जो है क्राउड है जो वो ज़्यादा होगा, और पुर्तगाल में आगे ही बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आ चुके हैं, जिसकी वजह से इधर के जो हाउस रेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, फूड के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस वजह से हो सकता है इस चीज़ को वो मद्देनजर रखते हुए जनवरी से फैमिली रीयूनिफिकेशन का जो केसेज हैं उनको फरवरी में ओपन करें। तो अभी हम बात करते हैं कि कार्ड किन किन लोगों को रिसीव हो रहे हैं, जिन लोगों ने बायोमेट्रिक दे दिए थे, और उनको आईमा की तरफ से किन किन सेफ, किन किन आईमा डिपार्टमेंट से इशू हो रहे हैं। जी अवैरो सेफ है, बेजा सेफ है, उसके बाद बरगेंसा सेफ है। ये जो सेफ है ये इशू फॉर आईमा कार्ड जो है वो इशू कर रही है, जो आईमा की तरफ से इशू हुए हैं, तो जी वो अभी इशू हो रहे हैं। तो टोटल सेफ ने तो ओपन नहीं किया, मगर टोटल सेफ से अभी तक नहीं रिसीव होने शुरू हुए। तो दो या तीन ये जो मैंने आपको इनके नाम बताए हैं, इन सेफ से वो जो कार्ड है वो रिसीव होने शुरू हो गए हैं। तो जी व्यूअर, अभी हम चलते हैं अपने ज़ाती ओपिनियन के बारे में। तो हमारे ज़ाती राय जो है, हमारे ज़्यादा ओपिनियन है वो यही है कि 2024 में के जो पहले दो वीक हैं या जो लास्ट वाले दो वीक होंगे, इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे केसेस हैं। अगर हम ईमेल की बात करें, अगर हम फैमिली अपॉइंटमेंट की बात करें, या हम कार्ड इशू की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा जो हमारे सवालात हैं उनके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, और हमें जो रिज़ल्ट है और जो व्यू है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों की लीगल एंट्री है और उनके 6 महीने पूरे हो गए हैं, उन्होंने 6 टैक्स पे कर दी हैं, उनको चाहिए कि वो एक लॉयर जो है वो हायर करें, और वो लॉयर के थ्रू अपना जो केसेस हैं वो उसको हैंडल करें। काफ़ी सारे मेरे सारे फ्रेंड हैं जिनके केस मैंने अब बाय रिव्यू अब खुद किए हैं, जिनको कोई आर्टिकल चेंज नहीं होता या कोई परेशानी नहीं होती, वो सेम आर्टिकल के अंदर ही उनको उनका जो कार्ड है वो ऑर्डर बाय कोर्ट के थ्रू उनको रिसीव हो जाता है और जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है।
तो जिन लोगों के 6 टैक्स कंप्लीट हो गए हैं और उन्होंने लीगल एंट्री की हुई है, उनको चाहिए कि वो लॉयर हायर करें और अपने जो 2-2.5 साल इंतजार करने से बेहतर है कि वो इस वे से गुजर के तो अपने कार्ड जो है रिसीव करें कि 2024 के पहले वीक या दूसरे वीक में इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिखाएंगे और हमारे बहुत ज़्यादा सवाल के जवाब जो हैं वो ज़ाहर होना शुरू हो जाएंगे। और अभी तक कोई भी अथेंटिक न्यूज़ या आईमा की डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि हम सारे केस क्लियर कर देंगे या हम किसी को कार्ड नहीं देंगे या फाइल लॉक होनी बंद हो गई है या किसी का फरनास नहीं बन रहा, कोई भी ऐसी अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। ये जेंट माफिया की तरफ से फैलाया हुआ सारी चीज़ें हैं। तो देखने वाले सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि मैं अपडेट करता हूँ पुर्तगाल की न्यूज़ के बारे में। तो देखने वाले व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नए भाई आ रहे हैं मैं उनके लिए सुगरानसो कैसे बनता है, वो खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं जेंट माफिया से, वो कैसे बच सकते हैं और पैसे कैसे बचा सकते हैं, इन फ्यूचर मैं निफ कैसे बनता है और फाइल कैसे लॉक होती है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो देखने वाले व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो को उन वीडियो को शेयर किया करें ताकि सदका जारिया किया जाए और उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाई जाए जो लोग नए आते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, जिन्हें घर का एड्रेस बनाना होता है, निफ बनाना होता है और प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट या उन्होंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको पता वो बाइक करना होता है, तो उन तक ये खबर पहुंच सके। उम्मीद है कि मेरी इस न्यूज़ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हासिल हुआ होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।